हम इस क्लास में आज आरपीसी सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड नीट जेई के कुछ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भी साथ में लिखा हुआ है। तो जहाँ ज़रूरत होगी अभी मैं कुछ दिनों तक हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा डालूंगा, उसके बाद दोनों मीडियम में ही डालने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने का कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। अगर आपको इससे ज़्यादा पढ़ना है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर किंग केमिस्ट्री के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ हमें ये ऐप कैसा दिखेगा। हमें वहाँ पर ये ऐप ऐसा दिखेगा, इस लोगों को देखकर आप वहाँ पर ये ऐप को परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें फ्री मटेरियल्स भी देख सकते हैं। तो हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हमारा आज का पहला क्वेश्चन हम एक जनरल क्वेश्चन लेंगे जो किसी बच्चे ने आज पूछा था, तो उसका सोल्यूशन ज़्यादातर बुक्स में बहुत बड़ा होता है, पर मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से बताऊं। से वीक एसिड की पीएच निकलवाने को कहता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वीक एसिड की पीएच के लिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये फॉर्मूला वीक एसिड की पीएच पे यूज नहीं होता है, ये फॉर्मूला सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बना है। अगर वीक एसिड की पीएच निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एच की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और एच की वैल्यू होती है सी एक्स। सी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है और एक्स यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम निकालते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम डायरेक्टली एच प्लस बराबर सी एक्स फॉर्मूले को लॉग है और इसके दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे, ठीक है ना। या यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू होती है अंडर रूट के वाई सी। तो जब मैं यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा के ए सी, और जब इस सी को अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा के ए इंटू सी स्क्वायर बाई सी। सी से सी कैंसिल कर देंगे तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट के ए सी। जब मैं इसका लॉग लूंगा तो लॉग लेने पर हमको ये फॉर्मूला आ जाएगा, लॉग लेने पर हमको ये फॉर्मूला आ जाएगा जिससे हम दुर्बल वीक एसिड के पीएच निकाल सकते हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन पूछा वो ये है कि एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 1/100 है और डेसिमल, और इसका के ए गिवन है 1×10^-5। तो अगर हम इस एक्स वाले तरीके से निकालते हैं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है और ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते, तो उनको याद रखना चाहिए वीक एसिड के पीएच को इस फॉर्मूले से निकालते हैं। के बराबर होता है हमारा लॉग, जब मैंने इसका लॉग लिया तो पी के ए की वैल्यू 5 आ गई। या डायरेक्ट याद रखो जितनी पावर होती है वो यहाँ आ जाती है और जो यहाँ होता है वो log 1 यहाँ आ जाती है। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो पी के ए की वैल्यू 5 आ गई। तो हाफ इंटू पी के ए की जगह मैंने 5 रख दिया, माइनस आएगा ही आएगा हाफ लॉग, और सी की जगह कॉन्सेंट्रेशन रख दिया। सी को 1 को 100 से डिवाइड किया तो 0.01 आ गया, और उसका जब मैंने लॉग लिया तो -2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और जब माइनस को बाहर लाया तो ये साइन प्लस हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे और 3.5 आते हैं। लॉग इस फॉर्मूले के बजाय, इस फॉर्मूले से वीक एसिड की पीएच निकालना बेहद आसान है, बट हमको ये फॉर्मूला आना चाहिए और मोस्टली बुक्स में ये फॉर्मूला ज्यादा एलोबरेट नहीं है या किसी ने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, सारे लोग एक्स से ही शुरू करते हैं। और अब हम वापस से अपनी जो 10 क्वेश्चन है उन पर वापस आ रहे।
तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कौन मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट एग्जर्ट करे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें ये ऑर्डर याद होना चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होता है माइनस आई, जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो वो हमेशा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। इस ऑर्डर को याद करके आप भारत में कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इससे सॉल्व नहीं हो सकता। तो सारे पॉजिटिव माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। अब पॉजिटिव में भी दो है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दिखाएगा। OR2 और OH2 में किसमें कंपैरिजन करेंगे, तो R वाले का माइनस आई इफेक्ट H वाले से ज़्यादा होता है। तो देखो OR2 और OH2 में तो R के बेसिस पे हुआ, और OH2 और NR3 में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे डिफरेंस किया। अब NO2 देखो यहाँ आता है, इसलिए इस NO2 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो। इससे ज़्यादा जानने के लिए आप प्ले स्टोर पर किंग केमिस्ट्री के ऐप में लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एसिटिलीन अणु में होते हैं, एसिटिलीन के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हो। तो एसिटिलीन की स्ट्रक्चर ये है, तो देखो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और ये दो पाई हो जाए। इस तरह इसमें तीन सिग्मा और दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे। पाई सिग्मा बॉन्ड निकालने का एक और भी आसान तरीका है, जैसे हम इस मीथेन में सिग्मा बॉन्ड निकालना चाहते, तो सब जानते हैं कि इसमें चार सिग्मा है, तो देखना कार्बन कितने हैं, एक एक हमेशा माइनस करना है, मतलब पहले आएगा कार्बन की नंबर, फिर एक माइनस कर दो, फिर जितने हाइड्रोजन हो या जितने भी अदर एटम हो उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया, फोर। अगर हम इसमें इथेन के बॉन्ड निकालना चाहते हैं तो दो कार्बन है, हमने इसको -1 कर दिया और 6 हाइड्रोजन, तो टोटल 7 सिग्मा हो गए। अब देखते हैं क्या ये एसिटिलीन में भी लगता है, दो कार्बन है, एक माइनस कर दिया, दो हाइड्रोजन, तो देखो कितने बॉन्ड आ गए, पर हम इससे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही निकाल सकते हैं। ये कार्बन की नंबर है, एक हमेशा माइनस किया जाएगा, और अदर एटम जितने भी हों वो यहाँ पर ऐड कर। यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये वाला आपको सॉल्व करके बता, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो देखो टोटल कार्बन की नंबर 6 हो जाएगी, दो ये और 4 ब्रैकेट के अंदर, एक माइनस कर दिया, प्लस। अब इसमें अदर एटम 4 नाइट्रोजन है, इन सबको सॉल्व कर लिया तो 9 सिग्मा हो। तो सिग्मा बॉन्ड निकालने का ये बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें आप बिना स्ट्रक्चर के ज्ञान के भी सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, मतलब आज का तीसरा और इस सीरीज में पार्ट 4। BHC बेंजीन से कैसे बना, यहाँ पर हम देखते हैं जब हम बेंजीन की रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन की दो रिएक्शन होती हैं, जिनमें बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते। अगर मैं Cl2 और लाइट या हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता हूँ, या मैंने अल्ट्रावायलेट लाइट ले ली, तो बेंजीन इसके साथ में एडिशन रिएक्शन देता है और 6-क्लोरीन यहाँ जुड़ जाते, जिसको मैं गैमेक्सीन भी कह सकता हूँ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने Cl2 की रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में कराई, अब यहाँ देखना इसका फॉर्मूला C6H6Cl6 है, लेकिन अगर AlCl3 के साथ कराई तो एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा और एक Cl लगता जाएगा, तो एंड में प्रोडक्ट बन जाएगा ये।
तो इसको बीएचसी का मतलब है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, गैमेक्सीन, और इसको कहते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, एचसीबी। तो अगर लाइट ली तो बीएचसी बनेगा, और AlCl3 लिया तो एचसीबी बनेगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। थर्टी फोर क्वेश्चन में वो कह रहा है यौगिक C2CN4 में कार्बन परमाणु का संकरण क्या है। यहां पर इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड तो अभी मैंने निकाले ही थे, 9 सिग्मा होते, और इसमें 9 ही पाई बॉन्ड हो, कैसे होंगे, 2 पाई, यहां पर भी 2 पाई, 1 पाई, 2 पाई और 2 पाई। अब ध्यान से देखना, अगर कार्बन 1 पाई बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp2 होता है, क्योंकि यहां पर इसने एक ही पाई बॉन्ड बनाया है, तो इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, जबकि इन चारों कार्बन ने दो दो पाई बनाए हैं तो इसके sp। इसका मतलब हुआ कि इस यौगिक में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 दोनों। तो 34 के बाद में हम देखेंगे 35 क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन है, जो 35 क्वेश्चन है उसमें हम देख सकते हैं वो हमको कह रहा है कि टेफ्लॉन का बहुलक कौन होगा। तो टेफ्लॉन का जो बहुलक होता है वो बनाया जाता है CF2CF2। जब हम इसकी इस यूनिट एन यूनिट का बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इससे जो पॉलीमर बनता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन पर आग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेफ्लॉन पर आग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ये नॉन स्टिक कुकवेयर को बनाने के लिए भी यूज हो। 35 के बाद में हम देखेंगे 36 क्वेश्चन। थर्टी सिक्स क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि आइसोप्रीन किसकी यूनिट। आइसोप्रीन एक नेचुरल रबर की यूनिट है, और इससे हम नेचुरल रबर बनाने में इसका उपयोग करते। जस्ट ए मिनट, आज थोड़ी सी तो जो नेचुरल रबर है उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आइसोप्रीन का यूज करते हैं। और जो आइसोप्रीन यूनिट होती है उसका आयुपिक नेम भी कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है। जो आइसोप्रीन होता है उसकी स्ट्रक्चर ये होती है CaCH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है कि इसका लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा, जो हम आगे जाकर कुछ क्लास लेंगे हायर उसकी, उसमें जाकर देखेंगे कि इसमें क्या हो। हमारा अगला क्वेश्चन है 37। 37 क्वेश्चन में कहता है कि जब हम प्रोपाइन की रिएक्शन को डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 से कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ध्यान से सुनना इसका कंसेप्ट। जब हम किसी एल्काइंस की हाइड्रेशन करते हैं, जल योजन करते हैं, तो हमेशा कीटोन बनता है। किसी भी एल्काइंस की जब हम हाइड्रेशन करेंगे
मतलब इसकी रिएक्शन H2O से, कॉम्पिटिटिव में सिर्फ Hg+2 लिखा हुआ मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। तो जब हम इसकी एल्काइंस का हाइड्रेशन करेंगे तो हमेशा कीटोन बनेगा, और कीटोन बनाने के लिए मिनिमम कार्बन 3 होते हैं, लेकिन एसिटिलीन में तो कार्बन ही 2 है। तो जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में हाइड्रेशन करते हैं तो इस रिएक्शन में हमको एसिटाल्डिहाइड मिलता है, और इस रिएक्शन को कुचरोव रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अब वो कहता है प्रोपाइन आपको सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए इतना ही सीख लो काफी है, सारी एल्काइंस कीटोन बनाती है, तो अब इसमें क्या बनेगी, कीटोन बनेगी। प्रोपाइन में कितने कार्बन, 3, तो 3 कार्बन वाली कीटोन कौन सी होगी, तो इसका आंसर ये प्रोपेनल नहीं होगा, प्रोपेनॉन होगा। क्लियर। 37 के बाद में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो क्या क्वेश्चन था, तो ध्यान से सुनना, सारी वन नाइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में टेस्ट देती है, जिस भी एल्काइंस में वन पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वह AgNO3 के साथ में सफेद वाइट प्रेसिपिटेट और Cu2Cl2 के अमोनिया सॉल्यूशन के साथ में रेड प्रेसिपिटेट देगा, और इसमें जो कंपाउंड बनता है वो सिल्वर के साथ ये बनता है और कॉपर के साथ जो रेड कंपाउंड बनता है वो ये। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, क्या, सारी वनाइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में रेड प्रेसिपिटेट बना। 39 क्वेश्चन भी बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन कि अम्लीय हाइड्रोजन युक्त त्रिबंध, इसका मतलब है वनाइन, क्योंकि जब वन आयन होता है तो उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और जिस भी एल्काइंस में एसिडिक हाइड्रोजन होगा या वन आयन होगा तो वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ क्रमशः वाइट और रेड प्रेसिपिटेट CCl2 और Br2 के साथ में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा CCl2 और Br2 के साथ में सभी एल्कीन और एल्काइंस टेस्ट देती है, जिसमें ब्रोमीन का रंग उड़ जाता है, जबकि एल्कलाइन और क्षारीय के MnO4 का भी रंग सभी एल्काइंस और सभी एल्कीन्स उड़ा देती है, तो इसका आंसर बी और सी में से कोई नहीं होगा। हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल स्वतः परिवर्तन के लिए डेल्टा एस क्या हो, ठीक है ना। तो डेल्टा एस का मतलब है यहां पर एंट्रोपी, और एंट्रोपी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और, ये जो टेम्परेचर है ये सराउंडिंग या परिवेश का ताप है, इसका मींस है हमारे पास दो चीजें हैं ए और बी, ये -10 डिग्री टेम्परेचर पे है और ये +10 डिग्री टेम्परेचर, दोनों को अगर हम 40 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करें तो किसकी एंट्रोपी में ज्यादा वृद्धि होगी। जितने कम टेम्परेचर पर हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसका जनरल एग्जाम्पल ये है, एक बच्चा हिमाचल में बैठा है, एक बच्चा राजस्थान में गर्मियों में, तो हिमाचल वाले बच्चे को मोमबत्ती की, ठीक है ना, रोशनी से नहीं हीट से ही उसकी एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर राजस्थान के टेम्परेचर से कम है, और कम टेम्परेचर पर जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो वो एंट्रोपी को ज्यादा इंक्रीज करते। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन। अगर आप इसकी थ्योरी भी लाना लेना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर किंग केमिस्ट्री नाम के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। किंग केमिस्ट्री का ऐड कर ये मोनो होलोग्राम है जिसको देखकर आप पहचान सकते हैं, और किंग केमिस्ट्री क्लासेस उसके ऊपर लिखा हो। थैंक यू।